हेलो सर बूस, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्य ब्लॉग्स में। तो आज हम ये जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहाँ पहुँच गए हैं। तो अभी दिन के लगभग 11:30 बज रहे हैं। तो सुबह हम म्यूनिक से 600 किलोमीटर की जर्नी करके अभी यहाँ पे आए हैं। तो ये 600 किलोमीटर की जर्नी हमने आइस ट्रेन से करी। तो आइस ट्रेन ने हमें सिर्फ 4.5 घंटे में 600 किलोमीटर तक ले आई। मतलब बहुत बढ़िया ट्रेन, बहुत सही रहा, मतलब ये जर्नी बिल्कुल फास्ट। और बीच में उसने हॉल्ट भी लिए, मतलब पर फिर भी वो बड़े आराम से 600 किलोमीटर 4.5 घंटे में कर दिया। तो इस बार भी हम आइस से जा रहे हैं, ये आइस ट्रेन से। तो ये बच्चों को इस तरह के गिफ्ट कूपन देते हैं, तो बस अभी हम ये गिफ्ट इसका कलेक्ट करने जा रहे हैं। ये सेकंड टाइम मैथविका का हम कलेक्ट कर रहे हैं। कई बार ये नहीं भी देते हैं तो हम मांग सकते हैं आप जो ये TTM के पास जाके इस तरह का एप्लीकेशन कार्ड। तो पिछली बार इसको ये वो ट्रेन का इंजन मिला था आइस में, यार इस बार ये ये थोड़ी अलग गाड़ी है, थोड़ी क्रेन टाइप है ये। खुश है बहुत ज़्यादा। ये बर्लिन का स्टेशन है, ह्यूज है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये। बहुत सारे मल्टीपल फ्लोर्स हैं, ऊपर नीचे सब जगह ट्रेन जा रही हैं। बर्लिन है वो राजधानी है जर्मनी की, और ये 3 बड़े शहरों में है यूरोप के। जैसे 2 बड़े और शहर हैं जैसे पेरिस और लंदन, और इसके अलावा जो बड़ा तीसरा शहर है मतलब बर्लिन, ये 3 बड़े शहर हैं मतलब यूरोप के, तीनों राजधानियाँ हैं। और तो अभी ये हमारा 3 दिन का ट्रिप है, तो घूमेंगे खूब। और जो बर्लिन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है जर्मनी की, मतलब फुल हिस्ट्री से भरी पड़ी है। मतलब जो वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री है या जर्मनी के 2 टुकड़े हुए थे उसकी सारी हिस्ट्री, बर्लिन वॉल हम देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप रहेगा ये, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो इस बर्लिन के ह्यूज स्टेशन पे, मतलब हमें ये जो सबसे ऊपर दिख रही है ये काफ़ी पुरानी मेट्रो है, तो ये भी देखने को मिलेगी। और बर्लिन वैसे भी थोड़ा सस्ता शहर है बाकी शहरों के मुकाबले, जैसे म्यूनिक के मुकाबले, तो यहाँ मज़ा आता है। मतलब आपको जो रूम है वो भी थोड़े सस्ते मिलेंगे, होटल रूम, बाकी खाना पीना भी थोड़ा सस्ता रहता है बाकी शहरों से। तो और बहुत ही मज़ा आएगा, मतलब बहुत अच्छा शहर है ये। तो ये मैडम जी अड़ गए हैं अब यहाँ पे आइसक्रीम देख के, तो करते हैं इनकी सेवा। बर्लिन का ह्यूज ये सेंट्रल स्टेशन है ट्रेन्स का। तो अभी हम डायरेक्ट होटल आ गए हैं, मतलब हमारे पास तो थोड़ा हैवी लगेज है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको यहाँ पे रख दें। तो ये हमारा होटल है, तो जो इसका नाम है वो है लुडविक वान बिथोवन। एक्चुअली ये नाम बहुत ही फेमस है यहाँ पे, क्योंकि जो लुडविक वान बिथोवन थे वो 200 साल पहले एक बहुत ही फेमस कंपोज़र और पियानिस्ट थे जर्मनी के। तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा है होटल का, एटलीस्ट मतलब जो नाम है बहुत ही फेमस है। और होटल के जस्ट अपोजिट साइड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब यहाँ पे अगर आप उस साइड देखो तो ये एक मंदिर है जो कि अभी बन रहा है। जो सबसे अद्भुत बात है कि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि प्रॉपर मंदिर है यहाँ, मतलब प्रॉपर मंदिर बन रहा है। क्योंकि वैसे हम यहाँ क्या देखते थे कि कोई भी जैसे मंदिर है तो बाहर से उसमें कुछ नहीं होता, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल बिल्डिंग की तरह या कमरे की तरह, और अंदर जाके मतलब थोड़ा मंदिर होता था। पर ये जो है ये बिल्कुल प्रॉपर मंदिर बन रहा है, जैसे हमारे इंडिया में मंदिर होते हैं। तो फुल जादू दिख रहा है इंडिया की डिप्लोमेसी का यहाँ पे। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन चल ही रही है पीछे की तरफ, अगर देखें तो अभी तो शायद एंट्री कुछ अलाउड नहीं है, पर मे बी अगर आप नेक्स्ट टाइम बर्लिन आओ तो आपको ये पूरा बना हुआ मिलेगा अद्भुत मंदिर। अभी ये होटल के बाहर ही ये एक जो बर्लिन वॉल थी 1961 से लेके 1990 के बीच, जो जर्मनी के 2 टुकड़े करती थी, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, उसका ही एक टुकड़ा है उसी दीवार का। एक हम देखेंगे इस तरह के बहुत सारे टुकड़े, प्रॉपर जगह भी देखेंगे जहाँ पे वो दीवार हुआ करती थी। तो हमने ये 2 रूम ले रखे हैं 2 नाइट्स के लिए, और मतलब टोटल एक तरह से 4 नाइट होगी। तो एक नाइट का एक रूम का ये है लगभग एवरेज, अगर मैं मान के चलूँ 120 यूरो। पर मुझे रूम जो हैं वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये जो रूम है ये 2 लोगों के लिए है, और जो दूसरा है वो 3 लोगों के लिए है। पर इसमें क्या है कि जो ब्रेकफास्ट है वो भी इंक्लूडेड है। तो 120 यूरो एक रूम एक नाइट, और उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है, तो ठीक है क्योंकि ये 3-स्टार होटल है, काफ़ी अच्छा है मतलब।
तो ये जो दूसरा रूम है ये 3 लोगों के लिए है, तो ये बड़ा है रूम, स्पेशियस है काफ़ी ये, और रूम जो है वो दोनों ही बहुत सुंदर हैं। जैसे कि रूम बड़ा है वैसे ही इसमें जो वॉशरूम और टॉयलेट जो है वो दोनों अलग अलग हैं। और यहाँ पे ये जो पेंटिंग है बहुत ही सुंदर लगी मुझे, मतलब इनकी जो इन्होंने गैलरी के अंदर भी पेंटिंग्स लगा रखी हैं बहुत ही सुंदर हैं। तो यहाँ पे अब हमें ह्यूज ये वाटर पम्प मिल गया है, हाथ से चलाने वाला, पानी निकालने वाला, बहुत ह्यूज है ये इतना बड़ा देखा नहीं, ये भी इन्होंने शो के लिए रखा है। पर मतलब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो पानी निकल रहा है। यहाँ पे जो ये बर्लिन की मेट्रो है ये मुझे इसे दिल्ली वाली मेट्रो की याद आ रही है, क्योंकि उसमें भी सीट्स इस तरह से मतलब साइड में होती हैं और जो बीच में जगह है वो खाली जगह रखी जाती है। इस सिमिलरिटी है यहाँ बर्लिन वाली मेट्रो की, ऑल दो यहाँ जो मेट्रो चली थी वो 120 साल पहले चली थी। यहाँ से शुरू कर रहे हैं घूमना अलेक्जेंडर प्लाट से, ये काफ़ी हैपनिंग जगह है, मतलब यहीं पर वो जो टीवी का बहुत सबसे ऊँचा टावर है जर्मनी का ये यहाँ पर है, तो यहाँ जाएँगे ऊपर भी। और उससे पहले ये स्क्वायर काफ़ी अच्छा है मतलब घूमने के लिए, यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है। इस तरफ को ये वर्ल्ड क्लॉक है, तो यहाँ पे आप सारे टाइम जोन सब टाइम देख सकते हो। तो हमारा टाइम जोन इंडिया वाला यहाँ पे ये है न्यू दिल्ली, यहाँ पे 17:19 लिखा हुआ आ रहा है, 7:30। तो ये यहीं पे इसी स्क्वायर पे अलेक्जेंडर प्लाट्स पे ये एक मार्केट लगी है। तो ये जो मार्केट लगी है, ये जो फेस्टिवल सा है, ये अफ्रीका का है, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो अफ्रीकन खाना है अफ्रीकन कंट्रीज़ का वहाँ वो शोकेस किया गया है। तो ये अफ्रीकन फेस्ट की कुछ ग्लिम्प्स, तो इन्होंने ये जो अफ्रीका का फेस्ट चल रहा है इसी में ये अफ्रीका के मैप को डिफरेंट कंट्रीज से कंपेयर किया है कि कितना कितना बड़ा एरिया है। तो जैसे अफ्रीका में मतलब एक इंडिया, एक चाइना, एक US और कुछ यूरोप के देश, इतना इतना समा सकते हैं। ये जो यहाँ का अफ्रीका का फेस्टिवल चल रहा है इसका नाम है केनाको, अफ्रीका फेस्टिवल केनाको। और पीछे की तरफ हमें ये टीवी टावर दिख रहा है, तो ये जो टीवी टावर है ये जर्मनी का सबसे ऊंचा टावर है, इसकी जो हाइट है वो 203 मीटर है। और ये जो टीवी टावर है ये 1964 में बना था, तो 1964 में जर्मनी के दो टुकड़े होते थे, तो ये बना था ईस्ट जर्मनी वाले हिस्से में। तो यहाँ पे उस टाइम पे मतलब जो सरकार होती थी उन्होंने पूरे नेशन वाइड मतलब उनको ब्रॉडकास्टिंग के लिए कुछ चाहिए था कोई टावर, तो उन्होंने ये बिल्ड किया था। और कहा जाता था कि ये जैसे कि ईस्ट जर्मनी के अंदर था, तो ईस्ट जर्मनी में उस टाइम पे मतलब थोड़ा डेमोक्रेटिक सरकार नहीं थी, और उन्होंने क्या किया था, जो चर्च थे उनके अंदर से सारे के सारे क्रॉस जो हैं वो निकलवा दिए थे मतलब। और फिर जब ये टावर बन गया तो क्या हुआ कि ये जो आपको एंटीना दिख रहा है, इस एंटीना के नीचे जो ये बड़ा सा स्फीयर है, स्टील स्फीयर है, तो इस एंटीना की यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन आती थी और यहाँ पे एक क्रॉस बनता था। तो फिर ये कहा जाता था कि ये इनको एक तरह से अभिशाप मिला है मतलब ईस्ट जर्मनी को, कि इन्होंने पहले सारे जो क्रॉस हैं वो चर्च से उतरवा दिए और अब इसी स्फीयर पे इस एंटीना की रिफ्लेक्शन से क्रॉस बनता था। तो इसे ये काफ़ी मशहूर मतलब वो सेइंग है, इसे पोप्स रिवेंज कहा जाता था। तो अभी हमने इस टावर की जो टिकट्स हैं वो ऑनलाइन ली हैं, क्योंकि ऑनलाइन आपको 1 यूरो बच रहा है मतलब टिकट पे, क्योंकि यहाँ की टिकट्स थोड़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप यहाँ पे ख़रीदते हो तो 25.5 यूरो, और अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हो तो 24.5 यूरो में एक टिकट आती है पर पर्सन। और जो बच्चे हैं वो 0 से 4 ईयर वो फ्री रहते हैं। अभी हम लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये ह्यूज बेस है इसका, बहुत ही चौड़ा है नीचे से ये। Welcome to the Berlin TV Tower. Now we will take you to the highest point in Berlin at 203 meters. अभी हम टावर के ऊपर पहुंच गए हैं, जो जहां से व्यूज देख सकते हो आप शहर के, यहां से मस्त व्यूज है मतलब आप हर सेक्शन पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, मतलब यहां पे आपको करना चाहिए टाइम स्पेंड मे बी 1 से 2 घंटे आराम से। कहा जाता है कि जब मौसम साफ हो तो आप यहाँ से खड़े होके लगभग 80 किलोमीटर दूर तक देख सकते हो, इतना ऊंचा टावर है ये। ये जो नीचे नदी दिख रही है इसका नाम स्प्री है, बहुत सही व्यू है स्प्री नदी का यहाँ पे। और नीचे आइस ट्रेन आ रही है ये, और ये एक टॉय ट्रेन की तरह दिख रही है।
हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट्स हैं, जो हिस्ट्री है, वो तो हम देख ही रहे हैं, मतलब ज़बरदस्त। पर उसके अलावा एक चीज़ जो इन शहरों में, सब में ही, मतलब जर्मनी में और यूरोप के और शहरों में भी, कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत मेंटेन की जाती है। चाहे कितना ही बड़ा शहर हो, अगर आप यहाँ पे देखो तो इन बिल्डिंग्स में बहुत सारी ग्रीनरी है बीच में, और बड़े बड़े जंगल ये शहर के अंदर ही रखते हैं, मतलब बड़े बड़े पार्क बड़े। और यहाँ से अभी हम ये अलेक्जेंडर प्लाट्स का स्क्वायर देख रहे हैं, जहाँ पे अभी हम ये वर्ल्ड क्लॉक देख रहे थे नीचे। यहाँ पे ज्यूइश जो यहूदी लोग हैं, जो कि इज़राइल में हैं, जैसे आज के टाइम में अगर हम बोलें तो, यहाँ पे भी बर्लिन में भी एक ग्रेव बनी थी उनकी 1880 में, ज्यूइश लोगों की। ये 100 एकड़ में फैली हुई ग्रेव है, पर ये आज भी मतलब अलाइव है, मेंटेन की जाती है। इस तरह की ग्रेव यार्ड में, ये यूरोप में सबसे बड़ा ज्यूइश ग्रेव यार्ड जो कंटिन्यूसली मेंटेन किया जाता है, जो जिसको लाइव रखा जाता है, वो यहाँ पे है बर्लिन में, यूरोप का सबसे बड़ा। बाकी बर्लिन की जो सबसे फेमस चीज़ है ये बर्लिन वॉल, इसको हम नज़दीक से देखेंगे जाके। ये यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने 209 नंबर, पर यहाँ से देखना काफ़ी मुश्किल है, मतलब कोई बड़ी चीज़ है उसको आप देख सकते हो, पर इस तरह जो ग्राउंड पे चीज़ें उनको नहीं देख सकते। तो ये तो हम क्लोजली देखेंगे जाके नज़दीक से। और अभी हम इस सर्कल में चीज़ों को देखते देखते ये फिर से उसी स्प्री नदी के पास आ गए, जहाँ से हमने ऑलमोस्ट शुरू किया था। इस स्प्री नदी के साथ लेफ्ट में जो बहुत इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं, मतलब एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जर्मन पार्लियामेंट, इसका जो ऊपर का डोम है ये सारा ग्लास से बना हुआ है, जो फॉरेस्ट के बिल्कुल साथ में ये दिख रही है। और इसके जस्ट राइट साइड में ये जो यहाँ के चांसलर हैं उनका ऑफिस रहता है। जो 1916 की जो ओलंपिक्स गेम थी वो शेड्यूल्ड थी कि बर्लिन में होंगी, तो उसके लिए कि ये मतलब ओलंपिक्स पार्क बनाया गया था यहाँ पे भी। ये यहाँ पे दिख रहा है 199, काफ़ी दूर है यहाँ से, बहुत पीछे है। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि उस टाइम तो वर्ल्ड वॉर था, तो ओलंपिक गेम्स नहीं हुई, फिर बाद में जब 1936 में फिर से बर्लिन में ओलंपिक्स गेम होनी थी, तो उसी वेन्यू को चूज़ किया गया, मे बी एक दो नए स्टेडियम बनाए गए। 1936 में एक जो और इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जैसे हमने एक गोल्ड बॉलीवुड मूवी देखी थी, तो उस टाइम पे जो ओलंपिक्स हुई थी तो इंडिया भी, मतलब वहाँ पे तब इंडिया में ब्रिटिशर थे, और जो जर्मनी की भी जो डेमोक्रेटिक सिचुएशन थी वो ठीक नहीं थी, तो उस टाइम पे इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में यहाँ पे, और मेजर ध्यानचंद उस टाइम के जो जादूगर थे हॉकी के, उनकी कैप्टनसी में इंडिया ने 38 गोल किए थे सारे मैचेस में, और सिर्फ एक गोल खाया था पूरे ओलंपिक्स टूर्नामेंट में 1936 में। जर्मनी की हिस्ट्री में और बर्लिन के अंदर एक बहुत ही जो स्पेशल सिंबल है, मतलब सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जर्मनी के दो टुकड़े होने की बात हो, चाहे जर्मनी के यूनिफिकेशन की बात हो, वो गेट जो है वो दोनों को सिग्निफाई करता है चीज़ों को। ये यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्रैंडनबुर्गर गेट। तो ये गेट जो है वो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को अलग भी करता था, मतलब, और ये जब जर्मनी के दो टुकड़े हो गए थे तो इस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था, कोई इसमें जा नहीं सकता था, मतलब ये ना ईस्ट जर्मनी में आता था ना वेस्ट में आता था। और उसके बाद जब जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई तो इसके ऊपर एक, मतलब, चार घोड़ों वाला एक चैरियट बनाया गया, और उसके ऊपर, मतलब, एक गॉडेस ऑफ विक्ट्री को बिठाया गया, मतलब वो जो यूनिफिकेशन हुई उसको उन्होंने एक्स्ट्रा से सिंबलाइज किया, इस गेट को मॉडिफाई किया। पे ये जो ग्रीन कलर की जो छत वाली बिल्डिंग दिख रही है, ये यहाँ का बर्लिन का कैथेड्रल है, जो बर्लिन का मेन चर्च है ये वो है, तो ये काफ़ी नज़दीक है, मतलब अगर हम देखें तो ब्रैंडनबुर्ग जो गेट है वो, या जो पार्लियामेंट है वो भी थोड़े दूर हैं, पर ये काफ़ी नज़दीक है यहाँ से, तो ये अच्छे से दिख रहा है। और इसमें चलेंगे हम अंदर, इसको भी नज़दीक से देखेंगे, बाकी जो मेन मेन मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी तरह। अभी हमने ये सर्कल कंप्लीट कर लिया, मतलब ये जो सर्कल है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो एक्सप्लेन कर रखी हैं इन्होंने, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। और यहाँ पे ये एक तो ये कैफे सा है, मतलब बार है, सॉरी, एंड इससे ऊपर जो यहाँ पे ये छत है, मतलब जो हम बाहर से ये स्फीयर देख रहे थे, वहाँ पे ये रेस्टोरेंट है। तो ये जो लिफ्ट है एक तो यहाँ तक आती है अगर आपको साइट सीइंग करनी है, और जो दूसरी लिफ्ट है वो ऊपर तक चली जाती है। तो जो ऊपर रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे आपको शायद 2-3 यूरो और ज़्यादा लगते हैं टिकट में, जो ये हमने प्राइस पे करा है इसमें से, और आप वहाँ ऊपर जाके बैठ सकते हो और वहाँ ऊपर जाके, मतलब, खा सकते हो। तो बिल्कुल आपको जैसे कॉर्नर पे सीट्स देंगे, आप ग्लास लगा होगा, बिल्कुल औसम नज़ारा, मतलब बिल्कुल आप टॉप ऑफ द बर्लिन बैठ के खाओगे और बर्लिन देखोगे।
तो अभी हम वंडरफुल व्यूज देख के वापस आ गए हैं, मतलब मस्त है। जो ऊपर से लिफ्ट आती है तभी आप ऊपर की लाइट जला देते हैं, वो व्यू देख सकते हैं, बहुत तेजी से आते हैं, मतलब 200 मीटर आप मे बी 10 से 15 सेकंड में पहुंच जाते हैं नीचे। ये और कुछ फन छोटी मैडम को भी चाहिए जिसको मिल गई है अभी ये फन मशीन लगे हैं सारे बच्चे यहाँ पे। जस्ट ये जो टीवी टावर है उसके साथ में ही ये म्यूजियम है, लिटिल वीक सिटी। एक्चुअली हम जो बर्लिन है वो सेकंड टाइम विजिट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम भी हमने ये म्यूजियम एक्सप्लोर करे हैं, तो शायद इस बार हम सोचने नहीं करेंगे। तो ये जो लिटिल बिग सिटी है, यहाँ पे आपको जो पूरा बर्लिन है उसकी जो जैसे वर्ल्ड वॉर 1-2 की जो हिस्ट्री है उसको वो छोटे छोटे मॉडल्स में, जैसे आग लग रही है, बम्प गिर रहे हैं, वो सारा दिखाते हैं। तो ये अच्छा है, मतलब हमें अच्छा लगा था ये लिटिल बिग सिटी जो म्यूजियम है। तो आप अगर आते हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे पानी गिर रहा है और हमारे आगे के प्लान पे भी पानी फिर रहा है तेज़ बारिश शुरू हो गई है, तो हम सोच रहे थे एक दो चीज़ें और देख लें। अभी लगभग 7:30 बज गए हैं, 7:30 तक। तो बारिश ने पूरा माहौल ख़राब कर दिया है, तो अभी हम घर ही जा रहे हैं, तो फिर घर में कुछ खाने को मंगाते हैं। तो अभी हमने डिनर के लिए रूम पे खाना मंगाया है, तो ये पनीर जल फ्रेजी है, ये पनीर मखनी है, तो हमने ये दो दो मंगा रखे हैं। और इस बार भी हमने मतलब ताजमहल एक रेस्टोरेंट है उसी से मंगा रखा है, जैसे स्ट्रासबुर्ग में था, पर मुझे उम्मीद है कि ये ताजमहल वो वाला रेस्टोरेंट नहीं है, क्योंकि वो अच्छा नहीं था खाना, और मुझे आज अच्छा लग रहा है, और उम्मीद है कि ये डिफरेंट रेस्टोरेंट हो और डिफरेंट खाना हो। तो खाना अच्छा था और खाने की बर्थ भी है, प्राइस भी ठीक है, लगभग 12 यूरो की डिश है, तो अच्छे है प्राइस और खाना भी अच्छा है इनका। हाँ, मतलब थोड़ा हमारे लिए स्पाइसी था, पर हम वो यूजली आप जैसे कॉल करके बता सकते हो कि कितना स्पाइसी चाहिए आपको, तो वो पॉसिबल है। तो इसी के साथ हम ये आज का ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, चूज़।